ये हो गया इनका मिक्स वेज है, और ये इनका राइस हो गया है, ये अचार दे दिया गया है, और ये है इनका कढ़ाई पनीर जो कि अरहर की दाल है, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ दी गई है। यहाँ पे आपको बताशे मिल जाएंगे, टिक्की मिल जाएगी, और इनके पास स्प्रिंग रोल मोमोज वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं। तो आप अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शबी अब्बास और आप देख रहे हैं आपके खुद का फेवरेट यूट्यूब चैनल शबी फूड वर्ल्ड। दोस्तों आज हम लोग का निकलना हो अलीगंज और लगी थी बहुत तेज भूख, तो हमने सोचा एक आपको एक रेस्टोरेंट दिखाऊं जिसको रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं, कैसे है कैसे भी कह सकते हैं, उसका नाम है RJ14। तो भाई आप जो ये देख रहे हैं ये उनका फर्स्ट पार्ट है, यानी कि यहाँ पे आप चाट वगैरह का इंतजाम है, ये मैं लास्ट में भी आपको दिखाऊंगा, मैं शुरू में दिखाता हूँ, इसके बारे में लास्ट में दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं इनके अंदर जो कैफे है और रेस्टोरेंट है उसके अंदर चलते हैं, पहले वहाँ के एम्बियंस और वहाँ का खाना देखते हैं, फिर लास्ट के पार्ट में हम आपको ये दिखाएंगे, हालांकि ये इन्हीं का ही पार्ट है। तो चलते हैं अंदर और आज हम आपको खिलाएंगे इंडियन खाना, हालांकि इनके पास राजस्थानी खाना भी रहता है, इटालियन खाना भी है, चाइनीज खाना भी है, और प्योर ये आपको वेजिटेरियन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आइए हमारे साथ अंदर का पहले नज़ारा देखते हैं, उसके बाद खाने को एंजॉय करते हैं, आइए। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं RJ14 रेस्टोरेंट कैफे में और यहाँ का हम आपको एम्बियंस दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। दोस्तों हमारा खाना रेडी होके आ गया है और ये हमने एक बाहर से आइटम मंगा ली जो कि हमने अभी बाहर आपको दिखाया था, इनके जो फास्ट फूड है जैसे वहाँ पे चाट कपूर आइटम है और चाइनीज़ का भी आइटम उसी पे है, जैसे स्प्रिंग रोल वगैरह मोमोज वगैरह, तो उसमें एक हमने आइटम यहाँ मंगा लिया है, बाकी हमारा पूरा इंडियन ये खाना हो गया है। हालाँकि जो आपने अभी तक मेरे चैनल पर देखा है तो ज़्यादातर मैंने चाइनीज़ और इटालियन वगैरह ही अपने एक्सप्लोर किया है या फिर अनलिमिटेड एक्सप्लोर किया है, तो आज कुछ हट के मन किया आपके सामने करने का, तो मेरे सामने ये कुछ इंडियन खाना है। तो पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये है दाल तड़का, एक बाल्टी नुमा जो इनका बाउल है उसमें आया है, ये हो गई, ये हो गया मिक्स वेज, तो ये मिक्स वेज है ना, ये देखिए ये हो गया इनका मिक्स वेज है, और ये इनका राइस हो गया है, ये अचार दे दिया गया है, और ये है इनका कढ़ाई पनीर, ये देखिए, और बाकी हो गई बटर रोटी, तो सैलेड्स वगैरह हैं, अचार के बारे में मैंने बता दिया। तो ये मैं अपने चैनल पे मैं फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और फिर से एक बार बता दूँ मैं RJ14 कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में मैं आया हूँ जो कि अलीगंज के कपूरथला इलाके में है, इसका मैं अपना जो एड्रेस है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो यहाँ का मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूँगा और बाकायदा इसमें एड्रेस भी मैं अपना मैंशन कर दूँगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आपको उसके टेस्ट के बारे में बताते हैं। तो जल्दी से हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं, हम लोग प्लेट हम लोग के सामने आ गई है, पापा इधर प्लेट हमको ये बाउल दिएगा जरा छोटा सा, बाकायदा उन्होंने दाल वाल के सब ले लिया है, तो एक एक करके हाँ पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जाहिर सी बात हम लोग कहीं खाने जाते हैं तो स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं। ये हो गए दही और चटनी के बताशे, खैर इसको मैं एक खाऊंगा भी क्योंकि बाकी अभी मुझे फिनिश करना है। मज़ा आ गया भाई। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम कढ़ाई पनीर से जो कि मेरा फेवरेट रहता है इंडियन खाने में, तो थोड़ा सा कढ़ाई पनीर ले लेते हैं और थोड़ा सा इनका मिक्स वेज भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। अच्छा मिक्स वेज में भी काफ़ी एक सब्जियां हैं, अगर मैं दादा भाई से कहूँ दिखाएं कि बाकायदा, तो ये पनीर है और आलू वगैरह भी इसमें दिए गए हैं और बीन्स वगैरह भी पड़ी हैं, तो इसको रख देते हैं इधर और इस बाउल के लिए हम लोग निकाल लेते हैं दाल तड़का, क्योंकि अरहर की दाल है, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ दी गई है, थोड़ा सा इसको ले लेते हैं। हालांकि मैं चलते खाते खाते मैं आपको बता दूं कि एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और यहाँ पे आपको राजस्थानी खाना मिल जाएगा, आपको इटालियन खाना मिल जाएगा और चाइनीज़ खाना मिल जाएगा, इंडियन खाना मिल जाएगा जो कि मैंने ऑर्डर किया है,
तो ये कुछ इस तरीके की, मैं कहूँगा रजा भाई थोड़ा जूम करके इसको दिखा दे पास से आके, कि ये इनका है कि पिज्ज़ा वगैरह जो चाइनीज वगैरह में आता है सिजलर तक इनके यहाँ मिल जाएंगे आपको, और सैलड वगैरह है, ब्रेड है, मेन कोर्स में ये सब ओरिएंटल चीज़ें, राइस, प्लेन, लॉक सब कुछ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आपको, डोसा वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का इनका मेन्यू है यहाँ पे, तो अगर आप आते हैं तो इसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये हो गई इनकी बटर रोटी, इसको रखते हैं किनारे। और हाँ, थोड़ा सा हम लोग इसमें राइस भी ले लेते हैं लगे हाथ, ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा ही से लेंगे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इतना ले रहा हूँ, और बाकी हमारी टीम है वो तो खैर खाएगी अभी। तो दोस्तों कढ़ाई पनीर से स्टार्ट करते हैं, और ये कढ़ाई पनीर और थोड़ा सा वेज मिक्स वेज भी लेते हैं, हालांकि आप लोग की मर्जी, जैसे आप लोग खाना चाहें, तो मेरा तरीका कुछ अलग है, मैं सब कुछ मिला के खाता हूँ इसमें। हाँ मज़ा आ गया, क्योंकि अभी तो मैंने कोई, मुझको नहीं लग रहा है कि मैंने कोई लास्ट की जो जितनी वीडियो मैंने बनाई कोई इंडियन खाना मैंने एक्सप्लोर किया हूँ, फर्स्ट टाइम मुझे इंडियन खाना मुझे मिला है। और अब बात करते हैं इनके दाल तड़के की, इसके बाद राइस मिला के खाते हैं। यह सब का फ्लेवर इतने अलग अलग पता लग रहा है, हालांकि मैंने मिला ही खाया, लेकिन पनीर का फ्लेवर जो है वो अलग पता लग रहा है, जो इनकी दाल तड़का है वो अलग इसका फ्लेवर लग रहा है। तो काफ़ी चीज़ें हैं कि यहाँ खाने वाली चीज़ें, तो आप आइए यहाँ एक बार और ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा खाने में। और अभी मैं आपको यहाँ का बाहर के काउंटर भी दिखाऊंगा जो इनका फास्ट फूड वाला है, मैंने दिखा दिया है आपको, लेकिन फिर भी एक बार फिर दिखाऊंगा आपको कि वहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, चलते टाइम मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी इसको हम फिनिश करते हैं, इसका मिलते हैं आपसे तब जब ये सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी तब। तो दोस्तों हम लोग ने अपना खाना फिनिश करने के बाद अब हम आपको ले चलते हैं इनके कार्ट में, जो इनका फास्ट फूड कार्ट है, तो वो भी चीज़ हमको चलते चलते लास्ट में हम आपको दिखा देते हैं। आइए वहाँ भी आपको कि वहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, आइए हमारे साथ। हालांकि इनका खाना मुझको बहुत अच्छा लगा, एक इंडियन खाना। और चलिए जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि इनका मैं कार्ट का भी सेशन दिखा देता हूँ। ये है आरजे 14 के कार्ट का, यहाँ पे आपको बताशे मिल जाएंगे, टिक्की मिल जाएगी, और इनके पास स्प्रिंग रोल, मोमोज वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं। तो आप यहाँ भी आके अपना एंजॉय कर सकते हैं। मैं सोचा लास्ट में चलते टाइम आपको ये वाला पार्ट आपको जरूर दिखा दूँ कि खाने से पहले या खाने बाद जैसे आपको इच्छा हो, अगर स्टार्टर पहले का, जैसे शादी में क्या होता है, तब जो स्टार्टर टिक्की बताशे होते हैं, सब चाट का आइटम जो होता है वो शुरुआत में खाते हैं, वो आपकी मर्जी, पहले खाना चाहें तो ये है, अगर बाद में खाना चाहें तो मैंने जहाँ भी आपको दिखाया वहाँ। और हम लोगों ने खाने में जो मीठे जो पानी पूरी होती मीठी चटनी वाली दही वाली, तो हम लोगों ने जो खाई थी वो यहीं से ही गई थी, क्योंकि हम लोगों ने वहीं मंगा लिया था अपने जहाँ हम लोग बैठे थे कैफे में। तो ये है कुछ इस टाइप का इनका नज़ारा इनके कार्ड का। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक ध्यान रखिएगा, खुदा हाफिज़। It's not a game, it's a rage game.